हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है सबका टिग्नोमेट्रिक्स इक्वेशंस के डे वन में। हमने लास्ट सिक्स क्लासेस के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड रेशियो को कंप्लीट किया और आज हम ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे क्वेश्चन तो अभी तक कम आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, यूपीएससी इससे क्वेश्चन ठीक ठाक भी बना सकता है और जो क्वेश्चन आए हैं वो अच्छे आए हैं। ये सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चैप्टर है। बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड रेशियो पढ़ के फॉर्मूले तो सीख लेते हैं, रट्टा मार के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जो एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री है, जो एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्री है, वो आपको बताऊँ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है, जिसके अंदर आप सीखेंगे सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, ग्राफ कैसे फ्लक्चुएट करता है, ये सब चीज़ें सीखनी है आपको। तो भाई सब कुछ क्लियर है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का डे वन। ये एक ही क्लास में मैं ख़त्म कराने वाला हूँ। आज काफ़ी लंबी क्लास है आप लोगों की मेरे साथ और एक ही क्लास में मैं पूरा धागा खोल दूंगा और फिर इसके ऊपर एक 15 क्वेश्चन का सेशन रख के इसको कंप्लीट कर देंगे। मतलब थ्योरी वाला जो पोर्शन है विद क्वेश्चन मैं आज कंप्लीट करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से टिक के बैठते हैं तो हो सकता है इसके ऊपर 3 क्वेश्चन भी आ जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है। हर बार क्वेश्चन तो आता ही है, ऑलमोस्ट आ ही जाता है छुटका मुटका, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन से बच्चे भागते हैं क्योंकि उनको ग्राफ से डर लगता है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को इतने प्यार से, इतनी सादगी के साथ पढ़ा दूं कि आप ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन से आपको प्यार हो जाए, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ से आपको प्यार हो जाए। मात्र 3 ही ग्राफ कराऊंगा, डोंट वरी। साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट को मैं नहीं छेड़ने वाला, जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइन एक्स पढ़ेंगे और इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना क्या होता है, इस चैप्टर के अंदर हमें दो चीज़ें पढ़नी होती है, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस, पर्टिकुलर एंड जनरल सॉल्यूशंस। इक्वेशन के पर्टिकुलर और जनरल सॉल्यूशंस आपको निकालने हैं, जिनको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशंस भी कहते हैं। पर्टिकुलर को हम प्रिंसिपल सॉल्यूशंस भी कहते हैं और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, विद ग्राफ्स। दीज आर टू टॉपिक्स वी विल कवर इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो आइए समझते हैं सबसे पहले अपन लोग y इक्वल टू साइन एक्स। ग्राफ से सीखेंगे, y इक्वल टू साइन एक्स को पढ़ने वाले हैं। y इक्वल टू साइन एक्स, कभी भी किसी फंक्शन का ग्राफ बनाना हो तो शुरुआत में डोमेन रेंज के बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए। अगर आप डोमेन रेंज के बारे में जानते हैं तो ग्राफ ट्रेस करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो साइन एक्स की डोमेन होती है ऑल रियल और रेंज जो होती है वो होती है माइनस वन से वन, और साइन माइनस एक्स जो होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। ये हमें बताता है सिमेट्री, ये ऑड फंक्शन है। और ऑड फंक्शन का मतलब है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। समझ रहे हैं? तो अगर इतना डाटा आपके पास है तो आप इजीली इसके ग्राफ को ट्रेस कर सकते हो। ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ है जो एक साइन वेव भी कहलाता है। ओरिजिन से निकलेगा, ओरिजिन पे ये जीरो वैल्यू देता है। आपको पता है साइन जीरो जीरो है, जब भी किसी फंक्शन में जीरो डाल के जीरो आ जाए तो इसका मतलब ओरिजिन से पास हो रहा है। पासिंग थ्रू ओरिजिन, बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, मैंने तो फिर भी काफी उठा के बना दिया।
बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। ग्राफ का नेचर कुछ इस प्रकार होता है, बहुत धीरे धीरे। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। ग्राफ कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। ऊपर होने का मतलब उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, नीचे रहने का मतलब उसकी वैल्यू नेगेटिव है, और जब ये एक्स को काट रहा है तो उसकी वैल्यू 0 है। अब आपको पता है साइन एक्स पॉजिटिव कब होता है? साइन एक्स पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, और नेगेटिव कब होता है? थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस है, साइन पाई बाय 2 1। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, पाई बाय 2 से पाई, तब भी ग्राफ ऊपर ही है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। वो बात है कि ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, 180 गैप में इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। देखो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक ये क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। देख पा रहे हैं आप कितना गैप है 180 का? फिर पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 तक ये डिक्रीज करेगा। अभी सिखाऊंगा आपको, पहले हम क्वाड्रेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, फिर थर्ड क्वाड्रेंट स्टार्ट हो जाएगा पाई से 3 पाई बाय 2, तो ग्राफ नीचे चला गया क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। फिर 2 पाई, 3 पाई बाय 2 से 2 पाई कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ग्राफ नीचे चला गया क्योंकि फोर्थ में भी साइन नेगेटिव होता है। तो ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया इसने, उसके बाद दोबारा से रिपीट कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब अगर आप राइट हैंड साइड में ग्राफ बना रहे हैं तो इसका मतलब आपका जो एंगल का मेजरमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और अगर आप पीछे जा रहे हैं तो ग्राफ पहले नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, 4 3 2 1। मतलब अगर आप साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक का ग्राफ राइट हैंड साइड में बना रहे हैं तो इसका मतलब आपकी एंगल की मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ऑब्वियस ही बात है, एंगल पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव एंगल्स नहीं है पाई बाय 2, पाई, 185 डिग्री, 200 डिग्री, ये कैसे एंगल है? पॉजिटिव एंगल है। तो इसका मतलब एंगल की मेजरमेंट सर्कुलर सिस्टम के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। तो अगर आप ग्राफ राइट में बना रहे हो तो यू आर गेटिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट, यू आर गेटिंग सेकंड क्वाड्रेंट इन, देन थर्ड क्वाड्रेंट, देन फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट एंड सो ऑन। इफ यू आर गोइंग लेफ्ट टू द ओरिजिन देन यू विल मीट फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट, देन थर्ड, देन सेकंड, देन फर्स्ट, क्योंकि एंगल नेगेटिव हो रहा है। एंगल नेगेटिव का मतलब आपका मेजरमेंट क्लॉकवाइज है। आर यू गेटिंग और नॉट? अब आते हैं डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग की बात। बेटा समझ आ रहा है आपको? मैं धागा खोल दूंगा इस चैप्टर का आज। कोई सा ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो तुम नहीं कर पाओगे, जितने मर्जी अच्छे लेवल का आ जाए। क्लास लंबी है, 12 बजे तक क्लास है आपकी मेरे साथ आज। ट्रिग्नोमेट्री का ये चैप्टर जो है खत्म करा के उठूंगा मैं, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का। फिर एक 15 क्वेश्चन की, खूबसूरत क्वेश्चनों की एक और क्लास ले लेंगे एक घंटे की, ये चैप्टर खत्म। कल से मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूंगा और वो बहुत बढ़िया है। हाँ ये फर्स्ट स्लाइड है, बहुत बहुत बेहतरीन है, शुरू से देख लियो बेटा आयुष, ठीक है। अब देखो मैं ये बता रहा था, ग्राफ जो अबव द एक्स एक्सिस है वो पॉजिटिव वैल्यू है, ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव वैल्यू है। ये हरे वाले को मैंने क्यों किया है? हरे वाले का मतलब है कि ग्राफ इंक्रीज कर रहा है 180 के 180 गैप में। फिर 180 पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है। पीछे देखें तो डिक्रीज कर रहा है, तो हरे वाला इंक्रीजिंग है। तो 180 के 180, कई बच्चों को लगता है जीरो से पाई बाय 2 में सर इंक्रीज करता है बस। अरे भैया जीरो से पाई बाय 2 में तो करता है, लेकिन पूरा ज्ञान लो ना लेना है तो माइनस 90 से 90 में क्या करता है? इंक्रीज करता है। आपको बता देता हूं, फोर्थ और फर्स्ट क्वार्टर में इंक्रीज करता है, याद रखो, सेकंड और थर्ड में डिक्रीज करता है। देख लो सेकंड और थर्ड क्वार्टर में तो डिक्रीज कर रहा है। और ये जो कर्व की स्टार्टिंग हुई और एंड हुआ 2π पे, तो इस गैप की बात करें, इसके बाद कर्व रिपीट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं पीरियड।
तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड कितना है 2 पाई। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पीरियड में लिखवा दूंगा, डोंट वरी। पीरियड कितना है 2 पाई। ग्राफ जहां पे एक्स को काट रहा है वहां पे उसकी वैल्यू 0 होती है, तो मुझे बताओ ग्राफ एक्स को कहां काट रहा है। अब इसके जनरल सॉल्यूशन क्रिएट करेंगे, मुझे बताइए आप जरा, साइन एक्स एक्स को कहां काट रहा है, 0 पे, पाई बाय 2 पे, सॉरी पाई बाय 2 कह रहा हूं, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे। तो साइन एक्स 0 कहां देता है, सारे पाइयों पे, तो जनरल सॉल्यूशन मैंने क्रिएट कर दिया एन पाई। तो आज के बाद कभी भी साइन 0 मिल जाए तो एक्स का मान एन पाई होगा। एक्स की वैल्यू क्या होगी, एन पाई, पाई 2 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, 4 पाई, 100 पाई, 10 पाई, एनी पाई इन साइन विल गिव यू वैल्यू 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? साइन 1 कब दे रहे हैं मेरे लल्ला, पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, माइनस 3 पाई बाय 2, सॉरी हाँ, माइनस 3 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। ऐसे पाई बाय 2 जिनको 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बनाए। तो साइन एक्स 1 कब दे रहा है, जनरली अगर मुझे बनाना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे 1 देता है जिसको 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या है 1। तो इस तरीके से जनरल तरीके से लिख सकते हैं आप, इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, इस फैक्टर का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल साइन 23 पाई बाय 2, साइन 25 पाई बाय 2। तो यू डोंट नीड टू थिंक मोर, यू गॉट पाई बाय 2 एंड व्हाट इज नंबर बिफोर इट, 25 इज अ ऑड नंबर, यू जस्ट डिवाइड दिस नंबर बाय 4, यू आर गेटिंग रिमाइंडर 1। When you are getting remainder 1, value will be 1. Sochna nahi hai. When this sign is giving you minus 1, 3 pi by 2, seven pi by 2, 11 pi by 2, 15 pi by 2, ऐसे पाई बाय 2, ऐसा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 जिसको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आए। तो साइन एक्स माइनस 1 कब देता है, ऐसे एक्सप्रेशंस ऐसे लिख सकते हैं आप, 4n+3 pi/2, इसमें n किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर को। Are you getting my point? Example, sine 235 pi/2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसी कैलकुलेशन आ गई, अरे लल्ला इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, बड़ी कैलकुलेशन, 235 को तू 4 से डिवाइड कर दे, रिमाइंडर 3 आया, माइनस 1 आएगा, ठोको। क्लैरिटी आ रही है कि नहीं? ये तो हो गए 3 डायरेक्ट हमारे जनरल रिजल्ट, 4 0 4 1 4 -1, 4 0 4 1 4 -1। क्लैरिटी आ रही है बेटा वंश, अंकित? अब आती है बात, इसके अलावा अगर यहां पे कुछ आ जाए, 1/2 -1/2, सर 1/5, सर √3/2, फिलाना डिमकाना, कोई भी नंबर अगर साइन के सामने सर जुड़ गया माइनस वन से वन के बीच में, एक्सेप्ट दीज 3, तो क्या करेंगे? तो एक जनरल सॉल्यूशन होता है कि साइन एक्स, तो जो राइट में नंबर है उसको आपको साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, साइन अल्फा, अल्फा होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है, 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है। तो
उस केस में x की वैल्यू हो जाएगी n पाई। इसको बहुत इजी तरीके से ड्राइव किया जा सकता है इसी ग्राफ से, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। n क्या है? इंटीजर। और अल्फा क्या है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कोई आपसे पूछ ले क्या होते हैं तो आप बताना, 0 से 2 पाई के जो बीच में होते हैं। लेकिन याद रखना, टू पाई जो है वो ओपन इंटरवल में रहेगा। टू पाई किस में रहेगा? ओपन इंटरवल में। तो वी हैव 4 रिजल्ट्स फ्रॉम साइन। 0 के लिए डायरेक्ट, उसके लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 1 के लिए डायरेक्ट ये अप्लाई नहीं करना, 1 - 1 के लिए अप्लाई नहीं करना, सीधा डायरेक्ट। और साइन अगर कुछ और आ जाए तो आपको इस राइट हैंड साइड वाले नंबर को साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इस रिजल्ट को याद रखना है, एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू अल्फा, जिसमें अल्फा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, 0 से 2 पाई, 0 पे क्लोज, 2 पाई पे ओपन और एन इंटीजर है। एक बात और बताऊंगा मैं आपको शानदार, कि हर क्वाड्रेंट में साइन एक्स के साथ जो एरिया बनाता है, कोई सा भी क्वाड्रेंट हो, एक क्वाड्रेंट होना चाहिए, बेशक नीचे की तरफ हो ऊपर की तरफ हो, हर क्वाड्रेंट में एरिया जो बनाता है वो 1 स्क्वायर यूनिट होता है। कितना होता है? 1 स्क्वायर यूनिट। ये सब 1 स्क्वायर यूनिट है, 1 1 1 1 1। तो कोई आपसे पूछे 0 से लेके 3 पाई तक का एक्स के साथ जुड़ा हुआ एरिया कितना है, तो 1 2 3 पाई तक कितने क्वाड्रेंट है? 6। तो 6 आ गया। क्लियर है साइन का ग्राफ? मैं उम्मीद कर रहा हूँ साइन का जो ग्राफ है आपने उसको समझा। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन बनते हैं 2 प्रकार के, एक आता है जनरल सॉल्यूशन का, पर्टिकुलर सॉल्यूशन का, एक आता है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का। बोलो रेडी हैं? पहले इसके ऊपर हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, फिर हम कोर्स का धागा खोलेंगे। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? सर लास्ट वाला फॉर्मूला रिपीट कर दो, मैं ड्राइव ही कर देता हूँ ना, मैं ड्राइव कर देता हूँ। मैं एक एग्जांपल लेके ड्राइव कर देता हूँ। जैसे साइन एक्स को मैंने 1/2 लिया, तो मुझे बता एक्स की वैल्यू क्या होगी? 1/2 कब देगा? एक तो पाई बाय 6 पे देगा। 1/2 का देने का मतलब है, देखो ये पूरी लेंथ 1 है, तो 1/2 कहाँ होगी? ये 1/2। इस पॉइंट पे 1/2 है ना, कितने सारे हैं? पाई, ये पाई है, तो ये पाई माइनस पाई बाय 6, ये 2 पाई है, 2 पाई प्लस पाई बाय 6, 3 पाई है, 3 पाई माइनस पाई बाय 6, माइनस पाई माइनस पाई बाय 6, माइनस 3 पाई प्लस पाई बाय 6। तो दीज आर द पॉइंट्स गिविंग साइन एक्स 1/2। ऑब्वियसली बात है, सिर्फ 2-3 वैल्यूज पे थोड़ा साइन एक्स 1/2 देगा। साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है और पीरियोडिक फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट करता है बार बार, डिफरेंट वैल्यूज पे सेम आंसर आता है, इसी को तो पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें जरा ध्यान से, तो हमारे पे वैल्यूज क्या आ रही हैं? 0 + π/6, π - π/6, 2π + π/6, 3π - π/6, 4π + π/6 एंड सो ऑन। तो 0π, 1π, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π, तो कॉमन, तो जनरल क्या बन गया? एन पाई प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, दैट इज -1 की पावर n, और साथ में क्या जुड़ा हुआ है? पाई बाय 6। और ये पाई बाय 6 वही अल्फा है बेटा, साइन पाई बाय 6 इज 1/2। हो गया जनरल सॉल्यूशन। बोलो क्लैरिटी आई कि नहीं? इसी तरह से पीछे से भी -π - π/6, -2π - 2π, +π/6, -3π - π/6, -4π + π/6। तो प्लस माइनस प्लस हुआ ड्राइव कि नहीं? डीप? डिड यू गो टू डीप? क्या आप डीप गए? बताइए जल्दी से। बताइए फिर, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बेटा, लगाते हैं क्वेश्चन में आग।
यस ना, बढ़िया था ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब जैसे मान लो मैंने कहा कि फाइंड जनरल सॉल्यूशन, पहले हम जनरल सॉल्यूशन पे काम कर लेते हैं दो चार क्वेश्चन में, ऑफ साइन एक्स साइन फाइव एक्स इक्वल टू जीरो, बस इतना सा क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो मेरे लल्ला एक बात बताऊं मैं आपको, साइन की वैल्यू जीरो कहां होती है, अभी लिखवाई थी एन पाई पे, तो फाइव एक्स को एन पाई के इक्वल रख दे, एक्स का मान क्या आ गया एन पाई बाय फाइव, तो एन क्या हो गया एक इंटीजर, बस इतनी सी बात है, ढाई नंबर मिल जाएंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। मैं उम्मीद कर रहा हूं क्लियर है। क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड जनरल सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग साइन थ्री एक्स इक्वल टू माइनस वन बाय रूट टू, साइन थ्री एक्स इक्वल टू माइनस वन बाय रूट टू, तो साइन थ्री एक्स अगर माइनस वन बाय रूट टू है तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, इसको साइन अल्फा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अभी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी आपने ठीक ठाक प्रैक्टिस करी हुई है, तो मैं आपको कोशिश करता हूं कि किस तरह से 5 सेकंड में इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे साइन में। आप नेगेटिव साइन को भूल जाओ, विदाउट नेगेटिव सोचिए, नेगेटिव के बिना सोचिए वन बाय रूट टू कब होता है, पाई बाय फोर, और आप सोचिए कौन से क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव आता है सबसे पहले। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए हमें, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट को कैसे लिखते हैं, पाई प्लस, तो इसका मतलब साइन पाई प्लस पाई बाय फोर, साइन थ्री एक्स इक्वल टू साइन फाइव पाई बाय फोर। आप आर यू गेटिंग, नेगेटिव साइन इग्नोर कर दीजिए, भूल जाइए नेगेटिव साइन है, वन बाय रूट टू सोचिए, वन बाय रूट टू है पाई बाय फोर पे, तो साइन पाई बाय फोर, और नेगेटिव साइन कैसे हटाएंगे, क्वाड्रेंट देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट, अच्छा फोर्थ भी है, दोनों यूज कर सकते हो, बट नियरेस्ट वन यूज करो, आप टू पाई माइनस पाई बाय फोर भी लिख सकते हो, साइन फाइव पाई बाय फोर। तो यहां से आप सीधा साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा वाला फॉर्मुला लगाओ, एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू अल्फा, जिसमें x का मान कितना आ गया n पाई बाय 3 माइनस 1 की पावर n इंटू फाइव पाई बाय 12, n क्या आ गया इंटीजर। बोलो क्लैरिटी आ रही है कि नहीं, जल्दी से बताएंगे बेटा। आपको x निकालना है, 3x नहीं तो 3 को नीचे लेके जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड जनरल सॉल्यूशन, एक करके दिखाइए। हालांकि जनरल सॉल्यूशन के क्वेश्चन आने के कम चांस है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन के आते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जनरल सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग, इस बार भी आया था 2024 में, सेटिस्फाइंग साइन 2x इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाय टू। तू भी उस बाबा को फॉलो कर रहा है बेटा, हैं? में कितने जोड़े,
कि 17 हो जाए, 70 आ की मात्रा लगा दो, 17 हो गए। शुरू से देखिए बेटा, सिद्धांत एक नंबर ही क्लास है ये, ऐसे देखने में मजा नहीं आएगा बेटा। क्यों भाई, क्यों बच्चों, क्या बोलते हो, इसको समझ आ जाएगा ऐसे? ये अभी आया है क्लास में, बताओ आ जाएगा इसको समझ? सत्तर में कितना जोड़े कि 17 हो जाए? वो बाबा भी रील देखते होंगे, जरूर उन्होंने अपना दिमाग लगाया, जरूर किसी रील में देखा होगा, वही चेप दिया। क्या तुमने ऐसा ग्राफ पढ़ाया कभी, इतना डिटेल में पढ़ाया जो मैंने, बताइए, इतनी डिटेलिंग में ग्राफ पढ़ाया कभी आपने? आएगा कैसे बेटा? अरे बेटा ये सबसे इजी चैप्टर है, लेकिन तुझे क्लासेस पहले देखनी पड़ेगी शुरू से ना। अभी तो रिलैक्स ले, कुछ और पढ़ ले, जब क्लास खत्म होगी तो बल्ले ही आ जाइयो। आएगा कैसे नहीं समझ, सर पढ़ाएंगे समझ नहीं आएगा क्या, कैसी बातें कर दिया। तो सबसे पहले तो आप माइनस रूट थ्री बाय टू पे कंसंट्रेट करेंगे, पाई बाय थ्री, थर्ड क्वाड्रेंट, पाई प्लस पाई बाय थ्री, टू पाई बाय थ्री, तो टू एक्स का मान आ गया एन पाई माइनस वन की पावर एन टू पाई बाय थ्री, तो एक्स की वैल्यू आ गई एन पाई बाय टू प्लस माइनस वन की पावर एन इन टू पाई बाय थ्री। बोलो हुई जुबां केसरी की नहीं? ये भाई हमारा जलवा है, ठीक है, ऐसे थोड़े ना है। मैंने भी जस्ट अभी की है बाकी, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, मैंने रात से क्लास ज्वाइन करके, जितने बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को लीव करें, शुरू से देखेंगे क्लास तभी मजा आएगा। ये 28 मिनट की क्लास निकल चुकी है सर, मैंने इतने टीचर से क्लासेस ली है, लेकिन सर आप नेक्स्ट लेवल के पढ़ाते हो, यही तो प्रॉब्लम है, इतनी सारी टीचर की क्लास लेना। जब से कोरोना आया है सारा सिस्टम ही बिगाड़ लिया है बच्चों ने, मल्टीपल ऑप्शंस हो गए हैं, पता नहीं अपने आप को पूरा का पूरा, कभी यहाँ कभी वहाँ, यूट्यूब चैनल में भी अगर कोई फॉलो कर रहा है तो पांच पांच टीचरों को, ठीक है ना, कोई कुछ करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, सब चीज़ें एक खिचड़ी बन गई है। इसलिए एक ही टीचर को फॉलो करो, टीचर सब बढ़िया होते हैं बेटा, बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं बेटा बच्चे बच्चों को। क्वेश्चन नंबर फोर, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब मैं ग्राफ से करवा रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस सेटिस्फाइंग साइन एक्स इक्वल टू वन, फिर एक्स बिलोंग्स टू माइनस फोर पाई से फाइव पाई, कितने सॉल्यूशंस होंगे? सात, छः, पांच या नन ऑफ दिस। कह रहा है कि साइन एक्स अगर वन है तो माइनस चार पाई से पांच पाई के बीच में कितने सॉल्यूशन होंगे? तो साइन एक्स की वैल्यू वन, ग्राफ बना ले यार, ये हो गया टू पाई, ये हो गया फोर पाई, और ये हो गया फाइव पाई, ये हो गया माइनस टू पाई, माइनस फोर पाई, माइनस सिक्स पाई। हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है वन, तो वन 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 वन, एक दो तीन चार पाँच छः, कितनी वैल्यूज हैं एक्स की? छः सॉल्यूशंस। किस किस को क्लियर है मामला, जल्दी बताएंगे। अभी मेरे को आपसे लाइव ही जुड़ना है, नेक्स्ट लाइव किस टाइम है प्लीज़ बता दीजिए, फिर लीव करता हूँ। नेक्स्ट क्लास तो बेटा अभी कल ही लूँगा मैं, क्योंकि मैं इसका लंबी क्लास लेने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी इस चैप्टर की थ्योरी और क्वेश्चन को मैं, सर आप गलत किए हो शायद, अच्छा क्या गलत कर दिया बेटा, फोर पाई बाय थ्री होगा, मैंने टू पाई बाय थ्री लिख दिया, अरे यार फोर पाई बाय थ्री लिख दिया यार, लिखना था ना पाई प्लस करेंगे। अब बता रहे तू मुझे, नींद में है क्या? मैं भी हूँ यार थोड़ा थोड़ा। हाँ
ये ठीक है यार, लिखा तो मैंने सोचा तो पाई प्लस पाई बाई थ्री था, लेकिन लिख दिया 2π/3। थैंक यू भाई, थैंक यू, क्योंकि ये क्लास ना यूट्यूब पे भी जानी है। आइए, ये वाला क्लियर है भाई, सिक्स सॉल्यूशंस है। आइए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस सेटिस्फाइंग 2 sin x + 1 = 0 और x की वैल्यू -3π से 4π, कितने सॉल्यूशंस होंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे -3π से 4π जब ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी 2 sin x + 1 = 0। जल्दी बताएंगे भाई, सीधी सीधी बात है, साइन एक्स की वैल्यू -1/2 पूछ रहा है, मैनुअली निकालेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, हमें क्या करना चाहिए 2π 4π और -3π, तो पहले जाएगा -2π और -3π। हमें देखना चाहिए कि ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ के थ्रू हम साइन एक्स की वैल्यू -1/2 इस पॉइंट पे -1/2 इस पॉइंट पे -1/2 इस पॉइंट पे -1/2 इस पॉइंट पे -1/2, दो यहाँ आ जाएंगे, दो यहाँ आ जाएंगे। वैसे आपको बताना चाहता हूँ, हर एक पूरे राउंड में 0 से 360 में साइन कॉस टैन सब दो दो बार वैल्यू देते हैं, लेकिन मैं 0, 1 और -1 की बात नहीं कर रहा, बाकी कोई भी कुछ भी लिखा हो साइन कॉस टैन सेक कॉस एक कॉट पूरे राउंड में दो दो बार वैल्यू देते हैं। तो 0 से लेके 4π तक 2 आनी थी और -2π से 0 2 आनी थी और एक ये थी, ठीक है ना, तो -2π से 4π तक 6 तो पक्का ही थी, क्योंकि एक राउंड दो राउंड तीन राउंड में 6 आनी है और दो यहां से आ गई, तो ये टोटल हो गए 8 सॉल्यूशंस। किस किस को क्लियर है ग्राफ से, ग्राफ से समझने इन क्वेश्चंस को, बोलिए ये वैल्यूज है, ये x की वैल्यू है, ये तो वैल्यू -1/2 साइन की वैल्यू, हमें x ढूंढने हैं कितने है? ये जो मैं डार्क कर रहा हूं ये x की वैल्यूज है, कितनी आई है हमें निकालने की जरूरत नहीं है ये क्या है, लेकिन हमें भाई इतना बताओ कि कितनी है, क्योंकि उसने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस सेटिस्फाइंग 1/10 इन x बिलोंग्स टू -5π/2 से 3π/2। विदाउट ग्राफ क्या करना है, वो तो जनरल सॉल्यूशन है ही ना, एंड डालते रहना फिर और देखते रहना कितनी आएंगी उसके बीच में, जनरल सॉल्यूशन निकाल के एंड को डालना स्टार्ट करो और क्या, इंटीजर्स है देखो कितने एंड डलते हैं उस रेंज में रहे, तब भी आ जाएगा मेरे बच्चे, उसमें क्या है, समझ रहा है बात को, तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन एक्स की वैल्यू -1/10 कहां से कहां तक, 3π/2 तक, ये हो गया हमारा 3π/2 -5π/2 क्या कह रहा है, -1/10 4 सॉल्यूशंस भाई, माइनस है तो ग्राफ नीचे वाले को पकड़ोगे ना आप, किस किस को क्लियर हो रहा है एक बार बताएंगे बेटा, कितने बच्चों को क्लियर है ये बात, -1/2 वैल्यू साइन दे रहा है, सॉरी -1/10 हाँ ठीक है, -1/10 मेरे माइंड में -1/2 चल रहा था तब से, 1/10 है, 1/10 1/10 1/10 1/10 तो भाई 4 सॉल्यूशंस,
तब भी फोर है, वैसे भी फोर था। हाँ पॉजिटिव वन बाय टेन, ठीक है बेटा। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? जल्दी बताएंगे। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस सेटिस्फाइंग साइन 2x इक्वल टू जीरो, वेयर x बिलोंग्स टू जीरो से नहीं, माइनस टू पाई से 10 पाई, 10 पाई रहने दो, 5 पाई ले लो। अब देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से करके दिखाऊंगा। एक तो मैं करूंगा जनरल सॉल्यूशन से, जनरल सॉल्यूशन के थ्रू मैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने वाला हूं, क्योंकि ये सिंपल सा है। 2x इक्वल टू जीरो, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा साइन 2x इक्वल टू जीरो का मतलब 2x हो गया n पाई, तो x कितना आ गया n पाई बाय 2। अब यहां पे आप n की वैल्यू डालनी स्टार्ट करो, जैसे आपने डाली जीरो डाली तो जीरो आ गया, 1 डाली पाई बाय 2 आ गया, 2 डाली पाई आ गया, 3 पाई बाय 2 आ गया, 2 पाई आ गया, ठीक है 5 पाई बाय 2 आ जाएगा, 3 पाई आ जाएगा, 7 पाई बाय 2 आ जाएगा, 4 पाई आ जाएगा, 9 पाई बाय 2 आ जाएगा, 5 पाई आ जाएगा, पीछे जाएंगे तो माइनस पाई बाय 2 आ जाएगा, माइनस पाई आ जाएगा, माइनस 3 पाई बाय 2 आ जाएगा, माइनस 2 पाई आ जाएगा। भाई इतना ही रखना है, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सोल्यूशन आ गए। आप सोच रहे हो तो सर बड़ा पंगा वाली बात हो जाएगी, कितना याद करेंगे, कैसे करेंगे, कितना लिखेंगे। ये तो सर अगर मान लो यहाँ पे 500 पाई होता तो काहे करते, है ना, समझ रहे हो। अब इसको मैं ग्राफ से करके दिखाता हूँ, लेकिन ध्यान रखना दो तरीके हैं ग्राफ से करने के, भी दो तरीके हैं। मैं पहले यहाँ पे 2x की बात करूँ आपसे, तो 2x का मतलब हो जाएगा माइनस 4 पाई से 10 पाई। तो आप साइन का ग्राफ बनाइए बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, लेकिन 10 पाई तक, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई, माइनस 2 पाई माइनस 4 पाई। अब गिन लीजिए कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जीरो का मतलब x को का काट रहे हैं, ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप साइन 2x का ग्राफ बनाते हैं, फिर वो मुझे सिखाना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ग्राफ। ग्राफ से करने का इजी तरीका ये है कि जो एंगल है पहले वो देखो कहां से कहां घूमेगा। x माइनस 2π से 5π है, तो 2x की वैल्यू माइनस 4π से 10π हो जाएगी। क्लैरिटी आ रही है कि नहीं? दे दो एक क्वेश्चन और, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस सेटिस्फाइंग। अच्छा इन सारे सॉल्यूशन जो मैं निकाल रहा हूँ ना, वो जितने भी सॉल्यूशंस हैं 0 से 2π के बीच में, वो सारे प्रिंसिपल माने जाएंगे। जितने भी सॉल्यूशंस 0 से 2π के बीच में आ रहे होंगे वो प्रिंसिपल माने जाएंगे, ठीक है जी। बताना जरा कितने सॉल्यूशंस आएंगे।
एक वन सबसे पहले साइन 5x इक्वल टू 1/3, ये तो बिल्कुल ठीक लिखा है क्योंकि साइन की रेंज माइनस वन से वन के बीच में होते हैं, एकदम परफेक्ट लिखा है। नाउ द पॉइंट कम्स कि हमारे तो x दे रखा है तो 5x क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा माइनस 5π से 5π, तो आप माइनस 5π से 5π ग्राफ बनाइए, 2π 4π 5π। ये ग्राफ याद रखना साइन 5x का नहीं बना है, कहीं इसको सोच लो आप, ये एक प्रोसेस है जिससे हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। कई बच्चे इसको ये समझ लेंगे कि साइन 5x का ग्राफ बना दिया, साइन 5x का ग्राफ तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो अलग चीज है, उसके थ्रू नहीं निकाला मैंने, मैंने बताया था ना ग्राफ के भी दो तरीके हैं। अब कितने 1/3 दिखेंगे आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 solutions। बहुत बढ़िया वंश, शाबाश आयुष, बहुत बढ़िया बेटा, क्लैरिटी मतलब तुम्हें आ रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि क्लैरिटी इज कमिंग, क्लैरिटी बाहर आ रही है। इजी है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आए, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस सेटिस्फाइंग साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाय 6 से माइनस 3 पाई से 5π/2। थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, देखो अभी तक हमने जो पढ़ा था 7-8 क्वेश्चन जो भी हमने किए हैं उसमें सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, अब थोड़ा सा ये एक्सप्रेशंस को थोड़ा बड़ा कर रहा है, तो आपको फैक्टराइजेशन करनी आनी चाहिए। फैक्टराइजेशन में सबसे पहले तो सी एंड डी फॉर्मूला लगते हैं, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी, ये लगेगा, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लाइक दिस। आपको किसी तरह से इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है, ट्राई टू कन्वर्ट इट इन टू सिंगल टर्म, तो सिंगल टर्म में अगर आप कन्वर्ट कर पाते हो तो काम बन जाएगा। यहां पे मैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर रहा हूं, तो साइन एक्स माइनस 2 प्लस 1 साइन एक्स माइनस 2, तो साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 1, तो साइन एक्स की वैल्यू आ गई 2, नॉट पॉसिबल, और साइन एक्स की वैल्यू आ गई माइनस 1। तो 5π/2 ये हो गया 2π, ये हो गया 5π/2। और माइनस 3π, ये हो गया माइनस 2π, ये हो गया माइनस 3π। साइन एक्स माइनस 1 चेक करिए बस कितनी बार आ रहा है, 3 सॉल्यूशंस। अब मैं आपको क्वेश्चन दे सकता हूं, आप दिमाग लगा सकते हैं, ग्राफ से कितना इजी कर दिया मैंने क्वेश्चंस को, बताइए।
क्वेश्चन नंबर 10 दे दूं बेटा, रेडी हैं आप? फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस सेटिस्फाइंग कॉस 4x इक्वल टू कॉस 2x, इसका जनरल सॉल्यूशन में निकालना, ठीक है? और x ले लो आप माइनस 2π से 2π, माइनस 2π से 2π करिए। अच्छा, इस बार कौन सा क्वेश्चन आया देखते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाला ही क्वेश्चन आया हुआ है इस बार, लेकिन बहुत आसान है, बहुत आसान है। अभी कराते हैं आपको। 2024 में जो क्वेश्चन आया है एकदम फुद्दू क्वेश्चन आया है। अच्छा, ये कॉस 4x आप सोच रहे होगे, सर जी कॉस कहां से ले आए, अभी तो पढ़ाया ही नहीं। अरे भैया, कॉस ए माइनस कॉस भी लगाना, तू काहे टेंशन ले रहा है। तो साइन 3x एक बार जीरो हो जाएगा और साइन x एक बार जीरो हो जाएगा। ध्यान रखना, यहां से सॉल्यूशन निकालने के बाद और यहां से सॉल्यूशन निकालने के बाद कॉमन ना आ जाए, कहीं काउंट कर लो इसके अलग और इसके अलग, कॉमन हटाने पड़ेंगे। तो यहां से 3x की वैल्यू कितनी आ गई n, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई n पाई, यहां से x आ गया n पाई बाय 3, ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। तो कुछ क्वेश्चनों को कई बार जनरल सॉल्यूशन से करना पड़ता है, बस इसलिए करना पड़ता है कि कई बार ग्राफ से ना हमें कॉमन चीजें ढूंढने में दिक्कत होती है। अगर मैं इसको ग्राफ से करूं तो साइन एक्स की वैल्यू जीरो, साइन एक्स का ग्राफ बनाऊंगा माइनस 2π से 2π, तो जीरो कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 सॉल्यूशन तो इसने दे दिए। अगर आप यहां पे लिख लेते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप ऐसे लिख पाओ 5 सॉल्यूशन तो यहां से आ गए। और साइन 3x इक्वल टू जीरो में मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि 3x का मतलब हो जाएगा माइनस 6π से 6π, माइनस 6π, माइनस 5π, माइनस 4π, माइनस 3π, माइनस 2π, माइनस पाई, 0π, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π। यहां से कितने आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 यहां से आ गए। अब जल्दबाजी में बच्चे ना ग्राफ से ये कर देंगे कि 13 और 5 18 आंसर लगा देंगे, 18 ऑप्शन भी दे देगा वो, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां के जो 5 सॉल्यूशन है ना वो ऑलरेडी इसमें है। देखो माइनस 2π, माइनस पाई, जीरो, पाई और 2π, तो इसलिए ये 5 ऑलरेडी इसमें है, तो आंसर 13 लगाना है। या फिर जनरल सॉल्यूशन से करो, कि आप क्या करो यहां पे x की वैल्यू डालना स्टार्ट करो। जनरल सॉल्यूशन से कैसे करेंगे, x की वैल्यू एक क्या आई है हमारी, n पाई बाय 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस माइनस 2π, माइनस 5π बाय 3, माइनस 4π बाय 3, माइनस पाई बाय 3, जीरो नहीं माइनस पाई, माइनस 2π बाय 3, माइनस पाई बाय 3, जीरो, और एक हमारे पास n पाई है, तो उससे कितने आ जाएगी माइनस 2π, माइनस पाई, 0π, 2π। तो आप देखोगे यहाँ के 5 और यहाँ के 13, लेकिन ये ऑलरेडी 5 इसमें है, तो आंसर 18 ना लगा के 13 लगाना है। अगर आप ग्राफ पे ये पॉइंट को देख सकते हो कि कॉमन आ रहे हैं, अगर आपने पॉइंट्स को मार्क करे बिना कर दिया, तो आप जल्दबाजी में 18 आंसर लगाया होगा, ध्यान रखना। तो या तो ग्राफ पे बहुत पकड़ हो, या चीजें ये ऑलरेडी पता हो जो मैं बोल रहा हूँ, तो आपका ध्यान जाएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ रट्टे मार रखे हैं कि ऐसे आता है तो ऐसे कर दो, एनपाई लगा दो, एनपाई बाय 3 कर दो, आंसर आ जाएगा, तब फंस जाते हैं बच्चे। बोलो हुई जुबान केसरी के नहीं, जल्दी बताएंगे बेटा। जल्दी बताएंगे, फिर मैं आपको 2024 में आया हुआ क्वेश्चन कराता हूँ। इतना चुमू क्वेश्चन आया था ना, बच्चे कहते बड़ा मुश्किल पेपर आया था, बड़ा मुश्किल आया था।
अरे बल्लू कैसी बातें करता है, कॉन्सेप्ट ढीले हैं। 2024 में आया हुआ क्वेश्चन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बतानी है, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, सेटिस्फाइंग साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू टू, जिसमें थीटा क्या है, माइनस पाई से पाई। ऑप्शंस आर हेयर, सिर्फ मात्र 1 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है, 1, 2, 4 या नो सॉल्यूशन, जीरो। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन 2 थीटा, नहीं भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ab करके तो देख, तो माइनस साइन टू थीटा कितना हो गया, 1, तो साइन टू थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब आपको बस -1 ढूंढना है, लेकिन 2 थीटा का यूज कर लो, 2 थीटा क्या हो जाएगा, -2π से 2π। -2π से 2π के बीच में भाई इतना ढूंढ लो, -1 कितनी बार आ रहा है, 1, 2। इससे आसान चैप्टर नहीं है, इससे ज्यादा इंफॉर्मेटिव वाला चैप्टर नहीं है, इंफॉर्मेटिव चैप्टर है, इसमें बहुत चीजें छुपी। अभी मैं इसमें इनइक्वालिटी जोड़ूंगा नेक्स्ट क्लास में, जब मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा क्वेश्चंस की, तो और मजा आएगा तुम्हें। या अभी जोड़ देता हूं, अभी जोड़ देते हैं, आसान था कि नहीं बताओ, सॉल्व। साइन एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, एक्स की वैल्यू 0 से 2π के बीच में, 2 sin x + 1 जीरो से बड़ा कब होगा, लग ही नहीं रहा ना PY क्यों था। अब बता, क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं थी, जानलेस क्वेश्चन था। साइन एक्स की वैल्यू -1/2 से बड़ी कब होगी, अब 0 से 2π के बीच में आ, तो 0 से 2π के बीच में सबसे पहले पता लगाते हैं साइन एक्स -1/2 होगा कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। -1/2 का मतलब है पाई प्लस पाई बाय 6, 7π/6 और 11π/6। हाँ कॉपी के क्वेश्चन मेरे ज़्यादा अच्छे हैं PYQ से, ठीक है ना। कल मैं क्लास ले रहा था 1000 क्वेश्चन की, तुम आया करो उसमें ना, बहुत सीखेंगे आप, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बेनिफिटेड क्लासेस रहेंगी वो, अगर आ सको तो। क्लास ले रहा था, बच्चे कह रहे सर आप हाई फाई क्वेश्चन करा रहे हो, अरे बल्लू आसान कराओ तो कहते हो आसान कराते हैं, और वैसे शोर मचाते हैं कि पेपर बड़ा मुश्किल आ रहा है, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन कराओ। मेरी क्लास में ज़्यादा बच्चे टिकने ना टिकने का रीज़न ही यही है, क्योंकि मेरे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ठीक होता है, मतलब मैं ND के हिसाब से बात करूं तो थोड़ा ठीक करवा देता हूं, अगर ND लेवल का कराऊंगा तो बेटा वहीं के रह जाएंगे सब, ठीक है ना। तो वो 1000 क्वेश्चन ना बहुत बेनिफिट देंगे, कॉन्सेप्ट आज से मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को छिपा के बढ़िया वाले क्वेश्चन चीज़ें उसमें माल पानी बढ़िया रखा है उसके अंदर मैंने, मतलब बढ़िया मटेरियल है आज की क्लास का, तो डोंट मिस, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो उस सेशन को। अब देखो यहाँ पे वो कह रहा है कि साइन एक्स की वैल्यू -1/2 से बड़ी चाहिए, तो अगर मैं बात करूँ बीच की, इसके बीच की, तो ये तो वैल्यू -1/2 से छोटी हो रही है, ध्यान से देखो नेगेटिव और होती जा रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा,
राइट में जाना पड़ेगा, यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू माइनस वन बाई टू से बड़ी हो रही है, अब देखो पॉजिटिव आ गई, तो इसका आंसर आ गया 0 से 7π/6 ओपन, क्योंकि 7π/6 पे तो माइनस वन बाई टू है, तो हमें इक्वल टू का साइन है नहीं, तो ओपन लगाएंगे, यूनियन 11π/6 से 2π। थर्टी वन वाले क्वेश्चन में डाउट था, चल देखते हैं, आज देखता हूँ, करा दूंगा बीच में पढ़ाते पढ़ाते, याद रहेगा मुझे। 31st क्वेश्चन में हेलो, हाँ जी सर, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वन शॉट में नहीं, वो तो यूट्यूब पे मेरे नहीं है ना। नहीं नहीं, क्या हुआ बताओ। अच्छा, ऐसा है नहीं, देख लेता हूँ फिर भी ना, लेट मी चेक। कौन सा चैप्टर कर चाहते हो आप, कोई भी चैप्टर? अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है, ओके, हो जाएगा, मैं कर दूंगा, देता हूँ, लेट मी फाइंड।
अच्छा, हाँ 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 आया किसी का कि नहीं? इंपॉर्टेंट कॉल था इसलिए थोड़ा बिजी हो गया। बताइए, सिक्स सॉल्यूशंस दिख रहे हैं। फैक्टराइजेशन मैंने बातें करते करते कर दी है, मिडिलटन स्प्लिटिंग सही करी है मैंने, करता तो ठीक ही हूँ मैं। हाँ जी बोलो भाई, बातें करने में लग रहे हो, क्या हो गया? 2 मिनट के लिए बाहर क्या चला गया है ना? देखिए, y इक्वल टू कॉस एक्स, फिर उनके कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे। कॉस एक्स की भी डोमेन क्या है? ऑल रियल। रेंज क्या है? माइनस वन से वन। कॉस माइनस एक्स क्या है? कॉस एक्स, जिसको हम इवन फंक्शन कहते हैं। सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। बल्कि पीडीएफ बेटा, एलडब्ल्यूएस का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करो, मैं भी डाल देता हूँ अपने उसमें ग्रुप में, ठीक है? मेरे पास पेन ड्राइव एक्चुअली आज वहीं रहेगी ऑफिस में ना, तो ज़्यादा मक्खन मत लगाएगा, ठीक है? मैं अभी ना ऑफिस जाऊँगा पूरे के पूरे 4 बजे, तो भाई वो पीडीएफ में डाल दूंगा अपने अग्नि में भी, डोंट वरी। ओके, कॉस एक्स अगर आप देखिए, वो स्मूथ होता है अभी ग्राफ, जैसे साइन का होता है, इतनी तेजी से ऊपर उठ के नहीं बनता, लेकिन समझाने के लिए हम ऐसे ही बनाते हैं।
ये कॉस का ग्राफ है, ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड भी 2 पाई होता है। साइन कॉस सेक कॉसेक का पीरियड 2 पाई होता है, सेक टेन और कॉट का पीरियड पाई होता है, वही माइनस वन से वन के बीच में। एक मिनट यार, मेरी बीवी बुला रही थी मुझे, दो बार आ चुकी है। क्या कह रही है फोटो? अच्छा ठीक है अंकित भाई, ठीक है। बोलता रहे तो अच्छी चीज़ है, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है तेरी इस बातों से ना, मुझे ऐसा फील होता है, अच्छा ना, अच्छा अच्छा फील होता है। ये पाई बाय टू है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्योंकि कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ग्राफ ऊपर है। सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ नीचे है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में भी ग्राफ नीचे है, क्योंकि थर्ड में भी नेगेटिव होता है। फोर्थ में फिर ऊपर आ गया, क्योंकि फोर्थ में क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, ये भी ऐसा ही है, 180-180 गैप में इंक्रीज डिक्रीज होता है। अगर मैं बात करूं, डिक्रीज करेगा पहले और सेकंड क्वाड्रेंट में, पहले और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। थर्ड और फोर्थ में इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज करता है। इसका तो नेचर ही ऐसा ना, ये साइन वेव होती है, कोसाइन वेव होती है, तो नेचर ही ऐसा है इनका ना। ऑसिलेटरी फंक्शन भी कहते हैं इनको ना, ऑसिलेट करते हैं। सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस को अगर मिरर माने, इवन फंक्शन तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होते हैं। इवन फंक्शन नहीं पता तुम्हें? जैसा ग्राफ राइट में वैसा ही ग्राफ लेफ्ट में, इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। जैसा ग्राफ राइट में वैसा ही ग्राफ लेफ्ट में। ग्राफ में मुझे बताइए जरा, कहाँ कहाँ पे कॉस एक्स को काट रहा है? पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू, फाइव पाई बाय टू, सेवन पाई बाय टू, नाइन पाई बाय टू, जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू है उस पे कॉस जीरो देता है। क्या देता है? जीरो। कॉस एक्स देखें जरा, वन कब दे रहा है? जीरो पे, टू पाई पे, फोर पाई पे। तो कॉस वन देता है इवन पाई पे, टू पाई, फोर पाई, जीरो, माइनस टू पाई, फोर पाई, सिक्स पाई, एट पाई, टेन पाई, हंड्रेड पाई। कॉस माइनस वन कब दे रहा है? पाई पे, थ्री पाई पे, फाइव पाई पे। तो कॉस माइनस वन देता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे। साइन में ऐसा नहीं था, ऑड इवन का, साइन में तो सारे पाई जीरो थे, यहाँ पे इवन पाई पे वन, कॉस और ऑड पाई पे माइनस वन। मैं ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, कोई रट्टे वाला काम नहीं है, मैं ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। और ये एन जो है इसमें इंटीजर है बेटा, और चौथा जो है जनरल वाला, अगर जीरो वन माइनस वन ना हो, कुछ भी हो, तो उसको आप कॉस अल्फा की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अल्फा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, जीरो से टू पाई, जीरो पे क्लोज, टू पाई पे ओपन। तो उस केस में x का मान होता है जनरल तरीके से 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। n क्या है? इंटीजर। कहानी वही है कि भाई ये एरिया जो है हर क्वाड्रेंट में कॉस और साइन के बीच में x के साथ एरिया वन होता है, ये तो मैंने बताया ही था। पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड इसका 2 पाई है। ध्यान से देखिए, यहां से ग्राफ रिपीट होना शुरू हो रहा है। पीरियड बच्चे कहते हैं सर 4 पाई पे भी तो रिपीट हो रहा है, तो 4 पाई लिख देते हैं। पीरियड की डेफिनेशन कहती है कि लीस्ट पॉजिटिव नंबर होना चाहिए जहां से वो रिपीट करे, तो 2 पाई लिखते हैं पीरियड, कभी 4 पाई नहीं लिखते। बोलो क्लैरिटी आ रही है कि नहीं?
करें फिर स्टार्ट क्वेश्चंस ऑफ कॉस एक्स, फिर कंबाइन कर देंगे। बेटा वो तो स्कूल गई हुई है, कैसे बनवाए? भूवी इज इन स्कूल, वो आएगी 1:30 तो स्कूल की छुट्टी होती है उसकी, 1:45 1:50 पे आती है वो। फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू -1/2। तो -1/2 से माइनस से घबराना नहीं, -1/2 से माइनस से घबराना नहीं है। आप ये सोचिए कि 1/2 का होता है पाई बाय 3 पे, और माइनस कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमते हैं तो पहले कौन सा क्वाड्रेंट पड़ता है जो कॉस माइनस होता है? सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट को लिखने का तरीका होता है पाई माइनस। तो पाई माइनस पाई बाय 3 कर देंगे तो ये अल्फा कॉस अल्फा की फॉर्म में चला जाएगा। उसके बाद फॉर्मूला तुम्हारे पास है, अभी लिखवाया था 2n π ± α, n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड जनरल सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग कॉस 3x इक्वल टू -1/√2। कॉस 3x की वैल्यू -1/√2 -cos π/4। कॉस नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, होता तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी, आप पाई प्लस भी लिख सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं आप अल्फा को प्रिंसिपल सॉल्यूशन की फॉर्म में लिखें, 0 से 2π के बीच में। दैट्स व्हाई पाई प्लस भी 0 से 2π के बीच में लिख सकते हो, दोनों ही ठीक है। 2π को आगे मत बढ़ना बस, ठीक है। पाई प्लस पाई माइनस पाई बाय 4 होता है 3π/4। तो 3x की वैल्यू आ गई 2n π ± 3π/4, लेकिन हमें तो x चाहिए होता ना, तो x आ गया 2n π/3 ± π/4, n बिलोंग्स टू इंटीजर। बोलो हाँ जी, क्लैरिटी आ रही है कि नहीं? cos 2π/3 कैसे आया? अरे लल्ला, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस पाई बाय 3 लिख सकते क्या इसको? बताओ, नेगेटिव कहाँ होता है कॉस? कौन से क्वाड्रेंट पड़ता है सबसे पहले? सेकेंड में ना, तो सेकेंड को कैसे लिखते हैं? पाई माइनस थीटा नहीं लिखते क्या? तो पाई माइनस पाई बाय 3, 2π/3। नेगेटिव साइन हटाना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है किसी क्वेश्चन, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे से। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस सेटिस्फाइंग साइन 2x प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू -3π से 3π। कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे? अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस पे आ रहा हूं, बात समझ गए? धागा खोलना है इस चैप्टर का मुझे आज ही, एक क्लास और लेनी पड़ेगी मुझे लग रहा है ना, 10 की क्लास में अलग ही रख देता हूँ,
वहीं चैप्टर खत्म कर देंगे। नेक्स्ट चैप्टर में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा, तीन क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें से भी। इधर पता नहीं क्यों फील आ रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। फैक्टराइजेशन मैंने आपको बताई है, जो बच्चा फैक्टराइजेशन करना जानता है वो इन क्वेश्चनों को धो देगा। मतलब ये प्लस साइन नहीं होना चाहिए, आपको एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो साइन 2x का फॉर्मूला कह रहा है मुझे लगा दो, 2 साइन x cos x प्लस cos x इक्वल टू 0, टेक cos x कॉमन, क्या बच गया 2 साइन x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब cos x की वैल्यू 0 और साइन x की वैल्यू -1/2। पहले cos का ग्राफ बनाते हैं, -3π से 3π, और फिर साइन का ग्राफ बनाते हैं, cos x की वैल्यू 0, छह सॉल्यूशन तो यहां से आ गए, और साइन एक्स की वैल्यू -1/2, छह यहां से आ गए, और कॉमन तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि ये पाई वाली सिचुएशन होंगी, पाई बाय टू वाली, और ये पाई बाय थ्री वाली सिचुएशन होंगी। तो पाई बाय टू और पाई बाय थ्री वाले में कुछ कॉमन होने नहीं वाला, कॉमन तब होता है जब सेम सेम बेस हो, लाइक पाई बाय सिक्स वहां से भी आ रहे हैं और कुछ पाई बाय सिक्स यहां से भी आ रहे हैं। यहां पे तो भाई जो सॉल्यूशन आएंगे वो पाई बाय टू के मल्टीपल होंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, नीचे टू होगा डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे 1/2 है तो नीचे 6 होगा, सॉरी साइन एक्स इक्वल टू -1/2 है तो नीचे 6 होगा, पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 इस टाइप के होंगे। तो कुछ कॉमन होने का मतलब नहीं है, इसलिए मैंने कॉमन ढूंढने का प्रयास भी नहीं किया। 12 सॉल्यूशन आ गए, बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताएंगे मुश्किल चैप्टर है कि ईजी चैप्टर है, बताइए बच्चों। आसान लग रहा है, मजा आ रहा है, फीलिंग आ रही है? क्वेश्चन नंबर 17, खोलिए धागा, वाह सेम ही क्वेश्चन है, बस साइन एक्स की जगह कॉस एक्स की जगह साइन एक्स दे दिया है। तो सबसे पहला काम मेरे बच्चे, 2 साइन एक्स कॉस एक्स है तो साइन एक्स को कॉमन ले ले,
तो यहां से साइन एक्स की वैल्यू आ गई जीरो और कॉस एक्स की वैल्यू आ गई माइनस एक बटे दो। आपकी बार साइन एक्स पे जीरो करना है, माइनस थ्री पाई से टू पाई फोर पाई फाइव पाई इलेवन पाई बाई टू, पीछे माइनस थ्री पाई। जीरो पूछ रहा है, साइन एक्स जीरो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नौ तो यहां से आ गए, और कॉस एक्स माइनस वन बाय टू, कॉस एक्स अगर आप बना टू पाई फोर पाई फाइव पाई इलेवन पाई बाय टू, माइनस टू पाई माइनस थ्री पाई। हमें देखना है माइनस वन बाय टू, नो यहां से आ गए, सेम सेम ही आ गए, इसमें अठारह आ गए, कॉमन कुछ होगा नहीं। एक बार चेक कर लेता हूँ, एक दो तीन चार, बिल्कुल ठीक है, नौ यहाँ से नौ वहाँ से, अठारह सॉल्यूशन आ गए। किस किस को क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस सेटिस्फाइंग साइन एक्स इक्वल टू टेन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू जीरो से टू पाई, जीरो से टू पाई लिया है, बहुत सीधा क्वेश्चन दे दिया, माइनस लिया ही नहीं, सिर्फ जीरो से टू पाई। साइन एक्स इक्वल टू टेन एक्स में अब टेन एक्स को साइन एक्स बाय कॉस एक्स लिखेंगे, और ऐसे साइन एक्स को साइन एक्स से काट मत देना, ऐसा नहीं कटता, आपको लेफ्ट में लेके जाना पड़ेगा, साइन एक्स कॉमन लेना पड़ेगा, मतलब फैक्टराइजेशन करनी है, ऐसे वेरिएबल नहीं कटते। अगर यहां लिखा होता ना एक्स की वैल्यू एन पाई नहीं हो सकती, तो मैं साइन एक्स को साइन एक्स से काट, ऐसे वेरिएबल तब काटते हैं जब वो कभी जीरो ना हो रहा हो, डिनोमिनेटर उधर जाके जीरो हो जाएगा, तो साइन एक्स का मान आ गया जीरो और कॉस एक्स का मान आ गया वन। अब जीरो से टू पाई के बीच में दोनों के ग्राफ बना लो, ये साइन का ग्राफ बन गया, ये कॉस का ग्राफ बन गया, साइन एक्स को जीरो देखना है तो एक दो तीन, और कॉस एक्स को वन देखना है एक और दो। अब इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, कॉस एक्स जहाँ पे वन हो रहा है वो जीरो और टू पाई है, और साइन एक्स जहाँ पे जीरो हो रहा है वो जीरो पाई और टू पाई है, तो ये जो जीरो और टू पाई है वो ऑलरेडी इसमें है, यहाँ के तीन सॉल्यूशन और यहाँ के दो सॉल्यूशन, पांच मत लिख देना क्योंकि यहाँ के जो दो सॉल्यूशन है दे आर ऑलरेडी इन दिस, तो वी कैन सेव थ्री सॉल्यूशन है। बेटा आयुष ध्यान रखना इन बातों का, थोड़ा समझा करो, मैंने आपको तो बोला बेस का ध्यान रखना है, यहाँ के सॉल्यूशन जीरो पाई टू पाई और यहाँ के जीरो और टू पाई, तो
तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो कॉमन पे ध्यान देना है, समझ रहे आयुष वंश, दोनों ने गलती करी हुई है। सबसे अच्छे बच्चे हो तुम लोग, तब भी ऐसी बातें करते हो। अंकित तेरा क्या है बेटा, ध्यान रखना कॉमन है भाई। यहां के सॉल्यूशन है 0π 2π और यहां के हैं 0 2π, तो कॉमन है ना, तो 3 लिखना है बेटा। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ या ना? फिर मैं आऊंगा जरा 2-4 मिनट में। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस सेटिस्फाइंग साइन एक्स प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। इसमें x मैं ले रहा हूं -3π से 3π। आराम से तसल्ली से करिए, कोई जल्दी नहीं है, मैं आता हूं।
बताइए, एनीवन गॉट आंसर? बताइए बच्चों, नाइनटीन आ रहा है, ऐसे ही आएगा, थोड़ा बड़ा सा आएगा। तो इन दोनों को ले लेते हैं, टू साइन ए प्लस बी बाय टू कॉस ए माइनस बी बाय टू, साइन टू एक्स, साइन टू एक्स कॉमन आ जाएगा, टू कॉस एक्स प्लस वन, साइन टू एक्स की वैल्यू जीरो और कॉस एक्स की वैल्यू माइनस वन बाय टू। यहाँ पे टू एक्स है और यहाँ एक्स है, तो एक्स हो जाएगा, 2x हो जाएगा माइनस छ पाई से छ पाई। ये जो मैं ग्राफ से आपको करके दिखाता हूँ ना 2x से मल्टीप्लाई करके, कृपया बेटा, तो वो एक प्रोसेस है, ग्राफ नहीं है वो साइन 2x का, ध्यान रखना। साइन 2x का ग्राफ 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 4 पाई, माइनस 6 पाई। तो साइन 2x जीरो कहाँ कहाँ हो रहा है देखें, आई थिंक 13 जगह पे हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, बिल्कुल सही पकड़ा हूँ मैं, 13 सॉल्यूशन तो लल्ला यहाँ से आ गए। और कॉस एक्स की वैल्यू माइनस वन बाई टू, कॉस एक्स अगर आप बना माइनस वन बाई टू, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सॉल्यूशन यहाँ से आ गए, कुछ कॉमन तो होगा नहीं आपको पता ही है, क्योंकि ये बाय थ्री वाले होंगे और ये पाई वाले होंगे, तो 19 सॉल्यूशन आए हैं, वो भी ठीक है, दोनों तरीके अच्छे हैं। एक बच्चा कह रहा है वंश कि मैंने साइन 3x का फॉर्म लगा दिया और साइन 2x का लगा दिया, गलत नहीं है, वो भी ठीक है, वो डिफरेंट ग्राफ से बनेगा, पर साइन और कॉस का ग्राफ हो जाएगा उसमें शायद 2x ना हो, वो भी ठीक है बच्चे, उससे करके दिखाऊं 19 ही आएंगे। चलो एक बढ़िया बात करी लड़के ने कि सर मैंने साइन 2x का साइन 3x का फॉर्मूला लगा दिया, उससे भी आ जाएगा, मल्टीपल वेज होते हैं कुछ नो करने के, कॉन्सेप्ट अगर सही है तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे, सारा खेल कंटेंट कितना तुम्हारा स्ट्रांग है। तो थोड़ा लेंथी करा ना, मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि सी एंड डी फॉर्मूला बढ़िया होते हैं फैक्टराइजेशन में, साइन ए प्लस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए माइनस कॉस बी, उनका हेल्प लिया करो ठीक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर। तो यहां पे तुमने जब किया तो साइन एक्स कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर को लिखो वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, फोर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू कॉस एक्स, फोर से फोर कट गया है, ये आ गया, तो साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन, टू भी कॉमन, टू कॉस एक्स प्लस वन, तो साइन एक्स जीरो आ गया। अब देखो ना टू साइन एक्स कॉस एक्स, साइन टू एक्स होता है, वहीं पहुंच गया देख वापस, साइन टू एक्स जीरो और कॉस एक्स माइनस वन बाय टू, वहीं पहुंच गए, क्या बोलता है, ये तो किया था हमने भी, यही तो आया हमारा भी, बोल तूने फोर से फोर नहीं काटा, मेरे को तो यहां गलती होगी प्लस माइनस में, 20 सॉल्यूशन तो नहीं आएंगे, 20 सॉल्यूशन कैसे आएंगे, 13 और 6 19 आ रहे हैं, 20 कहां से आ जाएंगे, कॉस की खास बात क्या है, जितने सॉल्यूशन यहाँ होंगे उतने ही आओगे, इवन फंक्शन है ना, जो पॉजिटिव एक्स से आंसर आ रहा है वही नेगेटिव एक्स से आएगा ठीक है। एक जल्दी जल्दबाजी में तुमने ज़्यादा निकाल दिया मेरे लल्ला, ठीक है चेक कर ले,
क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। फिर टेन के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। 15 तारीख तक मुझे करानी है ट्रिग्नोमेट्री खत्म ना। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस सेटिस्फाइंग 6 cos x माइनस 8 cos³x इक्वल टू 1। ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू -2π से 2π। करो अब इसको मैं डाल दूंगा यार YouTube पे ना, लाइव कर दूंगा ताकि हमारे YouTube वाले बच्चे भी देख लें। ट्रिग्नोमेट्री का मैंने उनसे वादा किया है तो ट्रिग्नोमेट्री 15 तारीख तक उनकी भी ख़त्म हो जाएगी। तो बच्चा शिद्दत से देखेगा तो सीख रहा है, ऐसी बात नहीं है। बच्चे सीखने वाला होना चाहिए, YouTube से भी सीखता है, ऐसी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बच्चे के सीखने के लिए YouTube पे कितनी ईमानदारी से पढ़ाया जा रहा है एक टीचर के द्वारा, वो इंपॉर्टेंट होता है ना। बच्चों के माइंड में हमेशा ये रहता है यार YouTube पे पढ़ रहा हूँ, फ्री पढ़ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं कुछ कॉन्सेप्ट सर छुड़वा ना रहे हूँ। ठीक है ना, बस ये अगर मन में आ जाता है तो बस थोड़ा सा रहता है कि भाई छोड़ना यार, रहने देते हैं, कुछ ना कुछ छुड़वा ही रहे होंगे। देखो यहाँ पे ना खुशबू आ रही है -2 कॉमन लेने की। दिस इज 4 cos³x -3 cos x, -2 कॉमन लेते ही तो ये हो गया cos³x, -2 उधर चला गया, -1/2 हो गया। अब x का मान -2π से 2π है तो 3x हो जाएगा -6π से 6π। ध्यान रखना ये जो मैं ग्राफ बनाता हूँ ऐसा करने के बाद, वो cos 3x का ग्राफ नहीं होता। cos 3x का ग्राफ तो जो होता है बेटा वो अलग होता है। ये तो एक प्रोसेस है, एक शॉर्ट तरीका है नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने का। -6π से 6π तक का ग्राफ बनाओ, ये हो गया -2π 4π 6π, -2π -4π -6π, और हमें -1/2 चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बेहतरीन तरीके से साइन और कॉस का ग्राफ क्लियर है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन निकालने आए हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 2π होता है, 0 पे क्लोज 2π पे ओपन। बोलो हाँ या ना। बताइए बताइए जल्दी। चलिए बहुत है आज के लिए, एक और क्लास लेते हैं इसकी जिसमें 10 के बारे में आपको बताऊंगा और साथ में मिक्स क्वेश्चंस और करेंगे बढ़िया बढ़िया जो पूछे जा सकते हैं एनडी के पेपर में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, कीप लर्निंग।